नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल स्वादिष्ट व्यंजन रसोई में। आज हम आप सबके साथ शेयर करेंगे चॉकलेट बिस्किट से बनाए मोदक की रेसिपी। आप इन्हें प्रसाद के लिए, गणेश जी के भोग के लिए बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा। आज हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट से मोदक। इसके लिए हमने 4 पैकेट बिस्किट के लिए हैं। बिस्किट को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। हम इसमें क्रीम निकालेंगे, सारे बिस्किट से हम क्रीम निकालेंगे। सारे बिस्किट की हमने क्रीम निकाल ली है। अब हम बिस्किट को छोटे छोटे पीस में तोड़ लेंगे। इस तरह से बिस्किट को हमने छोटे छोटे पीस में तोड़ लिया है। अब हम इसको पीस लेंगे। बिस्किट को हमने पीस लिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इनको तैयार करेंगे। हाथों से इसको अच्छे से मसल लेंगे। इसका हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। बिस्किट का डो मेरा तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे। इसके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। अब हम बनाएंगे स्टफिंग। बिस्किट से जो हमने क्रीम निकाल के रखी थी उसकी हम स्टफिंग बनाएंगे। इसमें 1 चम्मच हम नारियल पाउडर डालेंगे, फ्लेवर के लिए इलायची। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। स्टफिंग मेरी तैयार हो गई है। अब हम मोदक बनाएंगे। मोदक बनाने के लिए हमने सांचा लिया है। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसमें हम घी लगा लेंगे जिससे मोदक आसानी से निकल जाए। बिस्किट का हम थोड़ा सा डो लेंगे। सांचे को हम अच्छे से बंद कर देंगे। सांचे में हमने बिस्किट को भर दिया है। इस तरीके से उंगली से होल करेंगे इसमें। स्टफिंग को इसके अंदर भर देंगे। एक्स्ट्रा पेस्ट निकाल देंगे इस तरह से। अब हम इसको निकाल लेंगे। मोदक बन के मेरे तैयार हो गया है।
आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से सारे मोदक हम बना लेंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। सारे मोदक मेरे बनके तैयार हो गए हैं। जितने ज़्यादा ये देखने में अच्छे लग रहे हैं उससे ज़्यादा ये खाने में अच्छे लगते हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। सिल्वर बॉल्स से हम गार्निश करेंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।